और बार बार ये चेताया जा रहा है कि इतने सारे फेक यूनिवर्सिटीज और बोर्ड हैं उनके झांसे में ना आए। लेकिन इन लोगों की चतुराई ये है कि ये छोटे जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं छोटे शहरों में, मुफस्सिल टाउन्स में, वर्नाकुलर प्रेस जो है वहाँ पे ये विज्ञापन देते हैं कि अगर आप 8वीं फेल हैं तो आपको 10वीं का करा देते हैं, 10वीं फेल हैं तो 12वीं का दे देते हैं। तो लोग शॉर्टकट के चक्कर में और नौकरी लेने के लिए और अन्य कई चीज़ों के लिए जिसके अंदर सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट्स की आवश्यकता होती है इनके झांसे में आ जाते। था कि सितंबर के महीने में एक गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट आई थी कि मेरे से इतने इतने पैसे ले लिए और मुझे ये जब सर्टिफिकेट दी गई बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन दिल्ली की, तो बाद में पता चला कि वो फेक है। उसके ऊपर ये टीम बनाएगी जिसमें डीसीपी शाहदरा नूपुर के नेतृत्व में और एसीपी गांधीनगर, एसएचओ गीता कॉलोनी और आईओ है एसआई नरेश। तो इन्होंने जब इसकी गहराई कंप्लेंट हमें आई थी 11 सितंबर को बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली के नाम से, इसके बाद केस दर्ज हुआ था 470/17 चीटिंग का गीता कॉलोनी में और फिर ये इन्वेस्टिगेशन हुआ। जब पहली बार हमने कंप्लेनेंट को पूछा तो उसने कहा कि प्रशांत सोलंकी ने मुझे कंप्लेंट दी थी।